सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से e-lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-bst.gov.in पर जाएं। नमस्ते छात्रों, क्या आप सब मजे में हैं? अच्छी बात है। आइए हम आज के सत्र की शुरुआत किसी परिस्थिति पर आधारित एक प्रश्न से करते हैं। कल्पना कीजिए कि सुमेर नाम का एक देश बवान देश पर हमला कर रहा है। इस पर बवान देश की क्या प्रतिक्रिया होगी? अपनी स्थिति और ताकत के आधार पर बवान देश हमले का सामना करेगा, या पीछे हट जाएगा, या फिर हार मान लेगा। क्या हम इस स्थिति की तुलना दो लोगों के बीच होने वाले वार्तालाप से करें? हम जिस हमले की बात कर रहे थे वह किसी के द्वारा की गई आलोचना की तरह है। आम तौर पर यह देखा जाता है कि आलोचना का सामना करते वक्त लोग इसी तरह के रास्ते अपनाते हैं। एक, कुछ लोग खुद को धोखा देकर आलोचना स्वीकार कर लेते हैं और हार मान लेते हैं। दो, कुछ लोग यह जताते हैं कि उन्होंने हार मान ली है, पर वे खामोशी से अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। तीन, कुछ लोग पीछे हट जाते हैं ताकि वे बाकी की आलोचना से बच सके। चार, कुछ लोग ऐसा जताते हैं कि वे पीछे हट रहे हैं पर वे सामने वाले को फंसाना चाहते हैं। पांच, कुछ लोग खुद को बचाने के लिए अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। छह, कुछ लोग खुद को बचाने के लिए दूसरों पर दोष डाल देते हैं। अब एक कार्यकलाप करेंगे। कल्पना कीजिए कि अरुण के पिताजी, दोस्त, शिक्षक और उसका छोटा भाई उसकी शर्ट की आलोचना कर रहे हैं। अलग अलग मौकों पर वे अरुण से कहते हैं कि तुम्हारी शर्ट अच्छी नहीं है। क्या अरुण उन सब के सामने एक जैसी प्रतिक्रिया करेगा? जब कोई हमारी आलोचना करता है
तो हमारी प्रतिक्रिया कुछ बातों पर निर्भर करती है। हम यह देखते हैं कि आलोचना करने वाले की उम्र, भाषा, बोलने का तरीका, परिस्थिति, इरादा और उसके साथ हमारा रिश्ता कैसा है। आलोचना का सामना करना किसी हमले का सामना करने के बराबर है, पर इन दोनों के बीच सबसे बड़ा फर्क यह है कि युद्ध में जीवन और मृत्यु का सवाल होता है, पर आलोचना में ऐसी कोई बात नहीं होती। आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा हम आलोचना के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। दिनेश खाना बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने आलू का पराठा बनाकर अपने भाई को और एक दोस्त को खिलाया। पराठा थोड़ा कच्चा था। उसके दोस्त जगत ने कहा, स्वाद तो ठीक है, पर इसे थोड़ा और सेक देते तो एकदम सही बनता। उसके भाई परेश ने कहा, इसे आलू का पराठा तो नहीं कह सकते, कोई नया नाम सोचना पड़ेगा। हमने देखा कि दोनों ही दिनेश की गलतियां बता रहे थे। जगत की टिप्पणी उपयोगी थी और परेश की टिप्पणी विनाशकारी थी। जगत ने पराठे की कमियां बताने से पहले उसके बारे में अच्छी बातें बताई। उसने एक ही बार में पराठे को खराब नहीं बताया, बल्कि उसने पराठे को और अच्छी तरह बनाने का सुझाव दिया। दूसरी तरफ परेश ने बहुत ही रूखे और अशिष्ट तरीके से आलोचना की। आलोचना दो प्रकार की होती है। आलोचना के प्रकार, उपयोगी, विनाशकारी। उपयोगी आलोचना में किसी भी बात के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। सकारात्मक पहलू की सराहना की जाती है और नकारात्मक पहलू को सुधारने का सुझाव दिया जाता है। विनाशकारी आलोचना में केवल कमियों पर ध्यान दिया जाता है। हमें दोनों प्रकार की आलोचना को सुनना चाहिए और तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी गलतियों से कुछ सीखने पर ध्यान देना चाहिए। आइए अब एक परिस्थिति पर नजर डालते हैं। गोपाल को स्कूल में दिए गए एक सामूहिक कार्य का नेता बनाया गया। कार्य शुरू करने से पहले गोपाल ने सबको निर्देश दिए थे कि चार्ट में क्या होना चाहिए। चार्ट को और रुचिकर बनाने के लिए प्रताप ने उसमें कुछ उचित चीजें डाल दी। गोपाल ने चार्ट को देखकर आलोचनात्मक तरीके से कहा, क्या तुम सरल निर्देशों का भी पालन नहीं कर सकते? जितना बताया गया हो उतना ही करो। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। नई चीजें डालकर तुमने चार्ट को अव्यवस्थित बना दिया है। हमने देखा कि हावी होने और किसी पर नियंत्रण रखने वाले व्यवहार का यह एक उदाहरण है। प्रताप की आलोचना करके वह उसे काबू में रखना चाहता था और खुद को श्रेष्ठ दिखाना चाहता था। इस तरह की आलोचना को नियंत्रण में रखने वाली आलोचना कहा जा सकता है। इस तरह की आलोचना में धौंस जमाने के संकेत मिलते हैं और यह अत्याचार तक भी पहुंच सकती है। आलोचना के प्रकार, उपयोगी, विनाशकारी, नियंत्रण रखने वाली आलोचना। कभी कभी ऐसी आलोचना किसी नकारात्मक इरादे के बिना भी की जाती है, पर इस तरह की टिप्पणी पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने
उम्मीद से ज्यादा काम किया हो और उसके लिए आपकी आलोचना हुई हो। दूसरे शब्दों में कहें तो क्या कभी आपके साथ नियंत्रण वाली आलोचना हुई है? अब एक और परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। प्रकाश के चाचा जी अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने ऐसी घटना के बारे में पढ़कर सुनाया जिसमें किसी छात्र ने अनुचित व्यवहार किया था। उन्होंने जोर से कहा, अरे रे, आजकल के छात्र तो बहुत ही दुष्ट होते हैं, बिल्कुल बिगड़े हुए। प्रकाश भी उनकी बात सुन रहा था और उसे यह सुनकर बहुत बुरा लगा। यह देखकर चाचा जी ने कहा, मैं तुम्हारे बारे में यह बात नहीं कर रहा था। उन्होंने किसकी आलोचना की थी? अखबार में जिन छात्रों के बारे में कहा गया था उनकी, या प्रकाश के अलावा दुनिया के सब छात्रों की, या फिर उन छात्रों की जिन्हें वे नहीं जानते? एक, अखबार में जिन छात्रों के बारे में कहा गया था उनकी। दो, प्रकाश के अलावा दुनिया के सब छात्रों की, या तीन, उन छात्रों की जिन्हें वे नहीं जानते। वे इनमें से किसी की भी आलोचना नहीं कर रहे थे। उनकी आलोचना तो ऐसे तीर की तरह थी जिसका कोई लक्ष्य ही ना हो। वे तो बस आम तौर पर यह बात कर रहे थे। जो लोग खुद को हमेशा सही साबित करना चाहते हैं, वे इस तरह की बातें बोलते हैं। इस तरह की आलोचना का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता। ऐसी आलोचना की बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी चाहिए। आलोचना के प्रकार, उपयोगी, विनाशकारी, नियंत्रण रखने वाली आलोचना, बिना किसी इरादे के। अब एक और कार्यकलाप करेंगे। इस चित्र को देखिए। अब आपको बिना कुछ सोचे इस चित्र की आलोचना करनी है। आलोचना करने का कोई भी कारण या प्रमाण नहीं देना है। यह भी एक तरह की आलोचना है। इसे हम आदत से मजबूर होकर की गई आलोचना कह सकते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि वे हर बात पर टिप्पणी करते हैं। वे हमेशा नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देते हैं। वे जल्दी से यह बता देते हैं कि कौन सी बात सही नहीं है। यह उनका स्वभाव होता है। वे इस आदत से दूर नहीं रह पाते। इस तरह की आलोचना पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। आलोचना के प्रकार, उपयोगी, विनाशकारी, नियंत्रण रखने वाली, बिना किसी इरादे के, आदत से मजबूर होकर की गई। क्या आप कभी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिसने इस तरह की आलोचना की हो? उदाहरण के लिए, अगर आपने कोई चित्र या रंगोली बनाई, तब उस व्यक्ति ने आदत से मजबूर होकर किस तरह आलोचना की? संक्षिप्त में कहें तो हमें उपयोगी और विनाशकारी आलोचना को ठंडे दिमाग से सुनना चाहिए और उनमें बताए गए तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। हमें बिना किसी इरादे वाली, नियंत्रण में रखने वाली और आदत से मजबूर होकर की गई आलोचना पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या हम अब तक सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? आलोचना के प्रकार, उपयोगी, विनाशकारी,
नियंत्रण रखने वाली बिना किसी इरादे के आदत से मजबूर होकर की गई। धन्यवाद, आप सबने बहुत अच्छी तरह सार संक्षेप किया। आलोचना करना तो मनुष्य के स्वभाव में है, जैसे गलती इंसानों से ही होती है, वैसे आलोचना करना भी मनुष्य की प्रकृति है। यह समझना बहुत जरूरी है कि लोग आलोचना क्यों करते हैं या फिर कौन सी बात उन्हें आलोचना करने के लिए उकसाती है। अब एक परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। कमलेश को स्कूल के बागवानी दल का सदस्य बनाया गया था। सारे सदस्य यह चर्चा कर रहे थे कि वे बागवानी कैसे करेंगे और सारी जिम्मेदारियां किस तरह बांटेंगे। एक व्यक्ति ने कहा, कमलेश एक अच्छा नेता बन पाएगा या नहीं? उसने यह कहा क्योंकि कमलेश ने पहले एक कार्य अच्छी तरह नहीं किया था। कमलेश को इस बात से ठेस पहुंची। इस आलोचना का कारण क्या था? क्या आलोचना करने वालों को कमलेश पर विश्वास नहीं था? क्या आलोचना करने वाला कमलेश से नाराज था? क्या आलोचना करने वाला कमलेश को नेता नहीं बनाना चाहता था? किसी व्यक्ति की काबिलियत पर विश्वास ना होना आलोचना का कारण हो सकता है। आलोचना करने के कारण विश्वास की कमी। ऐसी परिस्थितियों में आलोचना की वजह से हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए और ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। उदाहरण के लिए, कमलेश को बुरा मानने की जगह इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। उसे यह साबित करके दिखाना चाहिए कि वह अच्छी तरह काम कर सकता है। कमलेश को कहना चाहिए, मुझे एक मौका दीजिए, मैं अच्छा काम करके दिखाऊंगा। उसे अपनी बात पर अमल भी करना चाहिए। अगर कमलेश को यह मौका ना मिले तो उसे दूसरे मौके का इंतजार करना चाहिए और अपनी काबिलियत साबित करनी चाहिए। उसे मन में कड़वाहट नहीं रखनी चाहिए। क्या विश्वास टूटने की वजह से आपको कभी आलोचना का सामना करना पड़ा है या फिर आपने किसी की आलोचना की है क्योंकि उसने आपका विश्वास तोड़ दिया था? धन्यवाद। क्या हम एक और परिस्थिति पर ध्यान दें? हेमा को चित्रकला करने का बड़ा शौक है। उसने आधुनिक चित्रकला के माध्यम से अंधकार के विषय पर चित्र बनाया। उसके एक वृद्ध रिश्तेदार ने चित्र को देखकर कहा, यह किस तरह का चित्र है, कितना दुख भरा है और कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा, बस यहाँ वहां कुछ रेखाएं खींची हुई हैं। क्या तुम ऐसा चित्र नहीं बना सकती जो रंगीन हो, जिसमें सब कुछ साफ दिख रहा हो? यह आलोचना ज्ञान या जानकारी की कमी की वजह से हुई थी। यह तो स्पष्ट है कि वह रिश्तेदार अपने हिसाब से किसी और आधार पर चित्र को आंक रहा था। उसे आधुनिक चित्रकला का पूरा ज्ञान नहीं था, इसीलिए उसे पता नहीं था कि इस तरह के चित्र की सराहना कैसे करते हैं। हमने इससे क्या सीखा? कई बार आलोचना की शुरुआत ज्ञान या जानकारी की कमी की वजह से होती है।
आलोचना करने के कारण, विश्वास की कमी, ज्ञान या जानकारी की कमी। हेमा को इस बात का आभास होना चाहिए और उस रिश्तेदार की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि हेमा को उन्हें आधुनिक चित्रकला से परिचित करवाना चाहिए। अब अगली परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। आमिर और मंजीत हमेशा कक्षा के प्रथम स्थान को प्राप्त करने की स्पर्धा में होते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा पूरी हुई ही थी और हिंदी की शिक्षिका सबकी उत्तर पुस्तिका बांट रही थी। हमेशा की तरह कक्षा के सामने सबसे अच्छे निबंध पढ़े जाने वाले थे ताकि दूसरे छात्रों को इससे फायदा हो सके। जब मंजीत का निबंध पढ़ा जा रहा था तब उसने आमिर को कहते हुए सुना, मेरा निबंध इससे तो अच्छा ही था। आमिर ने मंजीत के निबंध की आलोचना क्यों की? विश्वास की कमी, ज्ञान की कमी या ईर्ष्या की वजह से? एक, विश्वास की कमी। दो, ज्ञान या जानकारी की कमी। तीन, ईर्ष्या। आमिर ने ईर्ष्या की वजह से मंजीत की आलोचना की। उसकी बात में पूरी सच्चाई नहीं थी। मुकाबला करने की भावना और खुद में कोई कमी महसूस करने की वजह से लोग ईर्ष्या करने लगते हैं। इस ईर्ष्या की वजह से लोग दूसरों की आलोचना भी करने लगते हैं। आलोचना करने के कारण, विश्वास की कमी, ज्ञान या जानकारी की कमी, खुद में कोई कमी महसूस होने की वजह से ईर्ष्या। इस बात की जानकारी होने से हम आलोचना को सही तरीके से समझ पाते हैं। अगर हमें पता हो कि कोई व्यक्ति ईर्ष्या की वजह से आलोचना कर रहा है तो हमें बेकार में परेशान नहीं होना चाहिए। निशा, जूली और अजय एक प्रश्न प्रतियोगिता जीतने के बाद घर लौट रहे थे। वे अपने अनुभव के बारे में बात कर रहे थे। अजय ने कहा, जूली ने कठिन सवालों के सही जवाब दिए, उससे हमें बहुत मदद मिली। निशा ने तुरंत कहा, यह मत भूलो कि उसने दो गलत जवाब भी दिए थे। अगर मैं कुछ सवालों के जवाब समय पर नहीं देती तो हम हार जाते। अब इस परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। वीणा और उसके दोस्त हर दो महीने में एक बार अपनी कक्षा की एक पत्रिका प्रकाशित करते हैं। वे उस पत्रिका के पहले पन्ने पर हमेशा एक ही चित्र लगाते हैं। जब वीणा ने कहा, इस बार पत्रिका का चित्र बदल देना चाहिए, तो उसके सब दोस्तों ने कड़ी आलोचना की। वीणा को यह बात अच्छी नहीं लगी। आपको क्या लगता है, इस आलोचना का क्या कारण था? क्या इसका कोई कारण नहीं था? जानबूझकर वीणा की आलोचना करने की इच्छा या फिर परिवर्तन का विरोध? एक, कोई कारण नहीं। दो, वीणा की आलोचना करने की इच्छा। तीन, परिवर्तन का विरोध। सही कहा, इसका मुख्य कारण है परिवर्तन का विरोध करने की आदत। आलोचना करने के कारण, विश्वास की कमी, ज्ञान या जानकारी की कमी, खुद में कोई कमी महसूस होने की वजह से ईर्ष्या, परिवर्तन का विरोध करने की आदत। बदलाव को आते देख
लोग हमेशा संकोच जताते हैं। परिवर्तन के प्रति उनकी पहली प्रतिक्रिया आलोचना के रूप में होती है। वीणा को इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसे अपने दोस्तों को यह समझाना चाहिए कि नए नए चित्रों से क्या फायदा हो सकता है। उसे दूसरों की आलोचना से परेशान नहीं होना चाहिए। अब एक और परिस्थिति पर नजर डालते हैं। विनय ने कुछ नए दोस्त बनाए हैं और वह उनके साथ बहुत समय बिताने लगा है। इसकी वजह से वह देर से घर आता है। जब उससे इस बारे में पूछा जाए तो वह चालाकी से बात को बदल देता है। एक दिन उसके भाई ने उससे कहा कि उसके नए दोस्त कुछ ठीक नहीं है और उसे सोच समझ कर दोस्त चुनने चाहिए। यह सुनकर विनय को गुस्सा आ गया और उसने कहा, अगर मुझे तुम्हारी राय की जरूरत होगी तो मैं मांग लूंगा, तब तक के लिए मुझे और मेरे दोस्तों को अकेला छोड़ दो, ठीक है? क्या आप दोनों स्वेच्छा से विनय और उसके भाई की भूमिका निभाना चाहेंगे? आपको अभिनय द्वारा यह दिखाना है कि इसके आगे क्या हुआ होगा। विनय अपने भाई की आलोचना पर ज्यादा ध्यान दे रहा है और असली मुद्दे के बारे में नहीं सोच रहा। आलोचना करने के कारण विश्वास की कमी, ज्ञान या जानकारी की कमी, खुद में कोई कमी महसूस होने की वजह से ईर्ष्या, परिवर्तन का विरोध करने की आदत, सच्ची फिक्र। अगर वह समझ जाता कि उसके भाई को उसकी फिक्र है तो वह आलोचना के सकारात्मक पहलू को देख पाता। उसका भाई उसकी गलतियां निकालने के लिए आलोचना नहीं कर रहा था। इस तरह की परिस्थितियों में आलोचना एक राय की तरह होती है। इस आलोचना का मकसद शिकायत करना नहीं होता, इसीलिए यह जानना जरूरी होता है कि आलोचना करने के पीछे उस व्यक्ति का मकसद क्या है। सच्ची फिक्र की वजह से की गई आलोचना को स्वीकार कर लेना चाहिए। क्या हम अब तक सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? आलोचना के प्रकार, एक, उपयोगी, दो, विनाशकारी, तीन, नियंत्रण में रखने वाली, चार, बिना किसी इरादे के, पांच, आदत से मजबूर होकर की गई। आलोचना करने के कारण विश्वास की कमी, ज्ञान या जानकारी की कमी, खुद में कोई कमी महसूस होने की वजह से ईर्ष्या, परिवर्तन का विरोध करने की आदत, सच्ची फिक्र। आलोचना का सामना कैसे करें? आलोचना करने वाले को समझाना या जानकारी देना, आलोचना के इरादे यानी मकसद को समझना, आलोचना की परवाह ना करना, परिवर्तन की अहमियत समझना, आलोचना करने वाले को विश्वास दिलाना। धन्यवाद, आप सबने बहुत अच्छी तरह सार संक्षेप किया। नमस्कार,
आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशन कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के छठी से दसवीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें, ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1,00,000 छात्रों को 10-10,000 रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे, फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। नमस्ते छात्रों, आप सबसे फिर से मिलकर खुशी हुई। आशा है कि अब आप आलोचना को ठीक से समझने लगे होंगे। आइए आज के सत्र की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। नीलम एक शिल्पकार की कार्यशाला देखने गई। उसने अंदर जाने से पहले अपनी चप्पल एक पत्थर पर उतार कर रख दी। उसने सारी मूर्तियों को बहुत ध्यान से देखा और उनकी सुंदरता को सराहा। उसे किसी मूर्ति में बना एक सितार बहुत पसंद आया। शिल्पकार नीलम को उस सितार की खूबियों के बारे में बताने लगा। कार्यशाला में घूमने के बाद नीलम फिर से दरवाजे पर पहुंच गई, जहां उसने अपनी चप्पल उतारी थी। नीलम ने देखा कि उस पत्थर पर कुछ निशान बने हुए थे। शिल्पकार ने पत्थर की तरफ देखते हुए कहा, मैंने इस पत्थर पर सितार बनाना शुरू किया था, पर यह पत्थर हथौड़े की मार नहीं सह सका, इसीलिए मैंने दूसरे पत्थर पर हथौड़े से मारना शुरू किया। आपने इस कहानी से क्या सीखा? 1, जो पत्थर हथौड़े की मार सह सकता है वही मूर्ति बन सकता है। 2, हमें अपनी चप्पल किसी पत्थर पर नहीं छोड़नी चाहिए। 3, पहली कोशिश में कोई भी मूर्ति अच्छी तरह नहीं बन पाती। कोई भी पत्थर हथौड़े की मार सहने के बाद ही सुंदर मूर्ति बन पाता है। उसी तरह जो व्यक्ति आलोचना को सहन करके उससे उभर पाता है, वही अच्छा मनुष्य बन पाता है। बाकी लोग वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई सुधार नहीं आता। इसका मतलब है कि आलोचना में ऐसी शक्ति है जो हमें अच्छा मनुष्य बनाती है। हमें अखबार में चित्रकला, संगीत, साहित्य, नृत्य इत्यादि जैसी कलाओं के बारे में आलोचनात्मक लेख पढ़ने को मिलते हैं। मनुष्य के व्यवहार के बारे में भी आलोचना की जाती है। इस तरह की आलोचना का मकसद होता है यह समझना कि कोई घटना क्यों घटी, वास्तव में क्या होना चाहिए था और अब उसके बारे में क्या किया जा सकता है। पर जब कोई हमारी या हमारे काम की आलोचना करता है तो हमें कष्ट पहुंचता है। उस दुख की भावना से बाहर निकलने के बाद ही हम खुद को सुधार सकते हैं। आग में तपने के बाद ही सोने में चमक आती है। उसी तरह जब कोई व्यक्ति आलोचना को अच्छी तरह समझना सीख जाता है तो उसका व्यक्तित्व निखरने लगता है। इस सत्र के दौरान हम सीखेंगे कि आलोचना का सामना कैसे करना चाहिए।
अब इस परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। राजेश और उसके दोस्त साथ बैठकर अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। राजेश ने कहा कि वह सबके लिए चाय बनाकर ला रहा है। एक घूंट पीने के बाद कमल ने कहा, इसमें कुछ कमी है। यह सुनकर राजेश ने तुरंत जवाब दिया, चुपचाप पी लो, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तभी विवेक ने कहा, कमल सही कह रहा है, तुम शक्कर डालना भूल गए हो। कमल ने राजेश की भावनाओं के बारे में सोचे बिना तुरंत राजेश की गलती बताई, पर राजेश ने भी पूरी बात सुने बिना ही उसे जवाब दे दिया। अगर वह खुद चाय पीकर देखता तो उसे पता चल जाता कि उसने क्या गलती की थी। चाहे किसी भी तरह की आलोचना हो, पर हमें तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। कुछ देर इंतजार करने से गुस्सा कम हो जाता है और हम अपने शब्दों पर काबू भी रख पाते हैं। आलोचना का सामना उचित तरीके से करना एक जरूरी कौशल है। इसका सबसे पहला कदम है आलोचना को ध्यान से सुनना, तुरंत प्रतिक्रिया ना करना। अब एक और परिस्थिति देखते हैं। राजा की माँ बहुत परेशान है क्योंकि वह अपना कमरा और मेज बहुत ही गंदी रखता है। जब उसकी माँ ने यह बात उसे बताई तो उसने जवाब दिया, आपको मेरे दोस्त का कमरा देखना चाहिए, उसके बाद आप मेरे कमरे के बारे में शिकायत करना छोड़ दोगे। राजा ने ऐसा क्यों कहा? अपनी गलती छुपाने के लिए या इसलिए कि उसकी माँ और परेशान ना हो, या फिर इसलिए कि इस उम्र के छात्रों के कमरे ऐसे ही होते हैं? एक, अपनी गलती छुपाने के लिए। दो, ताकि उसकी माँ और परेशान ना हो। तीन, क्योंकि इस उम्र के छात्रों के कमरे ऐसे ही होते हैं। राजा ने इस बात का फायदा उठाया कि उसके दोस्त का कमरा बहुत ही गंदा रहता था, पर इसका यह मतलब नहीं है कि उसकी आड़ में वह अपनी गलती पर पर्दा डाल दे। अपनी माँ के द्वारा की गई आलोचना के लिए उसका जवाब ना तो उचित था और ना ही स्वीकार्य। वह सच्चाई का सामना करने की बजाय खुद को बचाना चाहता था। जब सच्चाई कड़वी लगती है तो लोग अक्सर इस तरह का रास्ता अपनाते हैं। आलोचना का जवाब देते वक्त हमें खुद का बचाव नहीं करना चाहिए, ना ही बहाने मारने चाहिए। अब इस परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। यमुना एक साड़ी पर कसीदा निकाल रही थी। वह कसीदे से फूल और चिड़िया बना रही थी। कसीदा निकालते वक्त उससे एक छोटी सी गलती हो गई। जब उसकी छोटी बहन नेहा ने कहा कि उससे गलती हो गई है, तो उसने कहा, तुम तो सुई में धागा भी नहीं डाल सकती, इसलिए मुझे मत सिखाओ। नेहा को सुई में धागा डालना नहीं आता होगा, पर इसका यह मतलब नहीं है कि यमुना उसे अशिष्ट तरीके से जवाब दे। ऐसा व्यवहार अनुचित होता है। आलोचना का जवाब देने का यह सही तरीका नहीं है। जो व्यक्ति आपकी गलती बता रहा हो, उस पर अपने शब्दों से इस तरह हमला नहीं करना चाहिए। यह अशिष्ट होता है और बचकाना लगता है। आलोचना का सामना करते वक्त हमें आक्रामक तरीके से जवाब नहीं देना चाहिए। अब एक
और परिस्थिति देखते हैं। अखिल शाम को 7 बजे संगीत सीखने जाता है। स्कूल से 4 बजे लौटकर वह थक गया था और थोड़ा आराम करना चाहता था। वह नाश्ता करके टीवी देखने बैठ गया। वह टीवी देखने में इतना खो गया कि उसे समय का ख्याल ही नहीं रहा। अचानक उसने देखा कि 7:15 बज गए हैं। वह तुरंत संगीत क्लास के लिए निकला और वहां 7:15 बजे पहुंचा। संगीत के शिक्षक उस पर गुस्सा हुए। देरी से आने के लिए उन्होंने उसे गैर जिम्मेदार कहा। उसे क्या करना चाहिए? सजा से बचने के लिए क्या उसे कहना चाहिए कि वह किसी जरूरी काम में फंस गया था, या उसे सही बात बता देनी चाहिए, या फिर उसे बस यह मान लेना चाहिए कि वह देरी से आया है। एक, कहना चाहिए कि वह किसी जरूरी काम में फंस गया था। दो, सही बात बता देनी चाहिए। तीन, उसे यह मान लेना चाहिए कि वह देरी से आया है। यह कहने का कोई फायदा नहीं कि वह देरी से आया है, क्योंकि यह तो शिक्षिका को पता ही है। इसीलिए यह जवाब अनुचित है। अखिल अपनी गलती की वजह से देर से आया था, इसीलिए उसे देर होने का सही कारण बता देना चाहिए और आलोचना से बचने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसे सही कारण बताते हुए अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए। जब किसी भी परिस्थिति में आलोचना का सामना करना पड़े तो अपनी गलती स्वीकार करके ईमानदारी से जवाब देना चाहिए। खुद को बचाने की या आक्रामक तरीके से जवाब देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आलोचना का सामना करते वक्त ईमानदारी से जवाब देना चाहिए, अपनी गलती मान लेनी चाहिए। अब एक और परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। सीता ने बाल्टी में अपने कपड़े भिगोकर रखे थे। उसने देखा कि उसके सफेद कुर्ते पर गुलाबी रंग के धब्बे हो गए थे। ठीक से देखने पर उसे पता चला कि उसकी बहन नीता ने अपना गुलाबी सलवार उसी बाल्टी में भिगो दिया था। उसने गुस्से में आकर नीता से कहा, क्या तुम इतनी बेवकूफ हो? तुम्हें पता नहीं चलता कि बाल्टी में क्या डालना चाहिए? तुमने मेरा इतना अच्छा कुर्ता बिगाड़ दिया। यह सुनकर नीता को भी गुस्सा आ गया और उसने जवाब देते हुए कहा, अगर तुम इतनी ही समझदार हो तो तुमने बाल्टी में अपना कुर्ता सबसे पहले क्यों डाला? नीता ने बहुत ही चालाकी से जवाब दिया, पर आलोचना का सामना करने का यह सही तरीका नहीं है। उसकी गलती यह थी कि उसने सीता की आलोचना में सच्चाई नहीं देखी। सीता ने भावुक होकर आलोचना की, पर उसकी बात सही थी। नीता को अपनी सलवार भिगोने से पहले यह देख लेना चाहिए था कि उसका रंग निकलता है या नहीं। लापरवाही या फिर अज्ञानता की वजह से उससे ऐसा हो गया। नीता ने सच्चाई पर ध्यान नहीं दिया। आलोचना का सामना करने का सही तरीका यह है कि हम सच्चाई और भावनाओं को अलग अलग रखें। अपनी गलती स्वीकार करके माफी मांगने से परिस्थिति अपने आप संभल जाती है। कड़ी आलोचना का सामना करते वक्त हमें राय, तथ्यों, सच्चाई और भावनाओं को अलग अलग रखना चाहिए।
क्या अब हम सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? हमें आलोचना को ध्यान से सुनना चाहिए, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। आलोचना का जवाब देते वक्त या सामना करते वक्त हमें खुद का बचाव नहीं करना चाहिए, ना ही बहाने मारने चाहिए। आक्रामक तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, ईमानदारी से जवाब देना चाहिए, अपनी गलती मान लेनी चाहिए, राय, तथ्यों, सच्चाई और भावनाओं को अलग अलग रखना चाहिए। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह सार संक्षेप किया। पिछले सत्र में हमने सीखा था कि आलोचना का सामना कैसे करते हैं। अब हम सीखेंगे कि आलोचना का सामना करने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है। अब आपके लिए एक प्रश्न है, आप में से कितने लोगों को खुद की प्रशंसा सुनकर अच्छा लगता है? कृपया अपने हाथ खड़े कीजिए। हम सबको खुद की प्रशंसा सुनकर अच्छा लगता है, पर यह बात भी सही है कि कोई हमारी चापलूसी करे तो हम परेशान हो सकते हैं। अब अगला प्रश्न, हम में से कितने लोगों को खुद की आलोचना सुनना अच्छा लगता है? हम में से किसी को भी आलोचना सुनना अच्छा नहीं लगता। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा होता है कि उसे आलोचना पसंद नहीं आती। जैसे कि एक कहावत में बताया गया है, अगर आप किसी को अपना दुश्मन बनाना चाहते हैं तो बस उससे इतना कह दीजिए कि वह गलत है। आलोचना को धैर्य से सुनने और समझने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। आलोचना को ठीक से समझने के लिए हमें कुछ आवश्यक गुण होने चाहिए। क्या हम यह जानने की कोशिश करें कि वे गुण कौन से हैं? इस परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। कला और उसके दोस्त एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए किसी स्कूल में गए थे। जब उसकी स्कूल पहली प्रतियोगिता में हार गई, तब दूसरी स्कूल के छात्रों ने उन्हें चढ़ाते हुए कहा, हार गए, हार गए, लगता है इतनी दूर हारने के लिए ही आए थे। कला के कुछ दोस्तों को गुस्सा आने लगा और कुछ दोस्त हताश हो गए। अगर आप कला की जगह होते तो आप क्या करते? इस परिस्थिति में कला ने अपने दोस्तों से कहा, उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो और अगली प्रतियोगिता के बारे में सोचो, इस बार हम जरूर जीतेंगे। इससे सबको प्रोत्साहन मिला और वे अगली प्रतियोगिता जीत गए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कला और उसके दोस्तों में दुख से बाहर निकलने का साहस था, इसीलिए वे हार और आलोचना को पीछे छोड़कर आगे बढ़ पाए। खुद में सहिष्णुता और साहस पैदा करने के लिए हम आलोचना का सामना समझदारी से कर सकते हैं। कई बार आलोचना सुनकर बहुत ठेस पहुंचती है, पर अगर हम में सहिष्णुता और साहस हो तो हम भावुक हुए बिना फिर से सामान्य तरीके से सोच पाते हैं और सही बात पर ध्यान दे पाते हैं।
आलोचना का सामना करने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है वे हैं सहिष्णुता और साहस। नमस्कार, आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशन्स कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के छठी से दसवीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1,00,000 छात्रों को 10-10,000 रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे, फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से e-lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।